हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कोच्ची घुमाऊंगी। तो कोच्ची एक दिन की ट्रिप पर्याप्त है, लेकिन उससे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे आप आ सकते हैं, कैसे आप कोच्ची पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए तीन बड़े ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ट्रेन से। अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो आपको दो रेलवे स्टेशन मिलता है। एक है एर्णाकुलम जंक्शन, यहाँ पर देश के विभिन्न शहरों और राज्यों से कनेक्टिविटी है जो देखने को मिल जाएगी। हम लोग इसी ट्रेन से आए थे। एंड दूसरा माध्यम है बाई बस। तो यहाँ पे KSRTC की बस चलती है, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन की बस है जो वो चलती है, आपको यहाँ पहुँचा सकती है। एंड तीसरा ऑप्शन है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप यहाँ पे फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो ये बात हो गई है कि आप कोची कैसे पहुँच सकते हो। तो हम लोग पहुँच गए हैं कोची, और अब मैं बात करती हूँ होटल की। तो यहाँ बजट टूरिस्ट भी होते हैं एंड 3-स्टार टूरिस्ट भी हैं। तो हम लोगों ने सबसे स्टेशन के पास वाला होटल लिया था। स्टेशन के पास बहुत सारे होटल हैं 3-स्टार, और आपको यहाँ सुपर डिलक्स कैटेगरी के भी होटल मिल जाएंगे जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से आप कोची जब पहुँचे तो होटल कर सकते हैं, और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है। इसके बाद मैं बात करूंगी खाने की। तो आप इस जगह पे जाएं तो ये इडली सांभर डोसा ज़रूर खाएं, यहाँ का ये बहुत ही फेमस है साउथ इंडियन डिश। तो आप जब भी जाएं इस जगह पे तो ये वाली चीज़ें खाना ना भूलें, इडली सांभर डोसा एंड वड़ा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद हम चलते हैं घूमने। तो कोच्ची में मेजर 6 से 7 ऐसे स्पॉट हैं घूमने के लिए जो एक दिन के ट्रिप या 2 दिन के ट्रिप के लिए पर्याप्त है। तो नंबर 1 पे है सांता क्रूज बेसिलिका फोर्ट कोच्ची, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आ सकते हैं। तो ये कोच्ची में देखने लायक जगह है। आप इसके अंदर जाके 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप बैठ भी सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी रिलैक्स लगेगा, अच्छा लगेगा। एंड बच्चों के साथ हम लोग गए थे तो बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। तो चलिए मैं इसको आपको अंदर ले चलती हूँ। और यहाँ अंदर आपको वास्को डिगामा का कब्र दिख जाएगा। यहाँ पर वास्को डिगामा का कब्र है एंड काफ़ी चीज़ लिखी हुई है। तो अब हम जा रहे हैं एर्णाकुलम डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज म्यूज़ियम, और ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में आपको राजाओं के पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे फ़ोटो हैं। एंड पहले के शिप के आर्किटेक्चर हैं यहाँ पे, और समुद्री रास्तों के मैप हैं 18वीं शताब्दी के। तो इस तरीके से दिख जाएंगे जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। एंड काफ़ी सारे पोर्ट्रेट एंड सीनरी यहाँ लगे हुए थे जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत सा है ये। और कुछ 18वीं शताब्दी के ही यहाँ पे ये बर्तन वगैरह भी रखे हुए थे जो काफ़ी पुराने ज़माने में यूज़ होता था। इस तरीके से ये सब बर्तने। नाउ वी आर हेयर एट फोर्ट कोची। अभी पीछे कोची बीच है ये, और अभी सनसेट के टाइम पे फिर से वापस आएंगे हम लोग। अभी हम लोग चाइनीज फिशिंग प्लेस पे जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी मार्केट भी है, नीचे फ्लिया मार्केट है यहाँ का लोकल। तो अभी आते हैं वापस यहाँ से, फिर देखते हैं शॉपिंग के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं इसे चाइनीज़ फिशिंग नेट बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा नेट होता है, एक बकेट टाइप होता है नेट। इसमें ये नीचे इसको डालते हैं और इसमें ढेर सारी मछलियाँ एक साथ आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये फिश को पकड़ते हैं। और इस सागर में बहुत सारी शिप जा रही थी जो कि बहुत सारा कंटेनर, बड़ा बड़ा कंटेनर लेके जा रही थी। ये शिप अरब सागर से होते हुए विदेशों में जाती है, बहुत बहुत जगह जाती है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने बड़े बड़े कंटेनर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। एंड अब हम आ गए हैं बीच पे। एंड थोड़ी दूर 200 मीटर की दूरी पर एक और स्पॉट पड़ता है, इसे फोर्ट कोची बीच कहते हैं। तो कोची का ये बीच देखने लायक है। अगर आप कोची जा रहे हैं तो इस जगह पे जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे जब हम लोगों ने पहुँचे तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये जगह एक देखने लायक है कोची।
तो जब हम लोग बीच पहुँचे थे तो सबसे पहले ये वाली जगह पड़ती है और यहाँ पे ढेर सारे पिजन थे और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एंड मेरी ननन तो पिजन पकड़ भी लेती है बट आज हाथ ही नहीं आया। एंड उसी के पास एक और स्पॉट पड़ता है, ये है फिया मार्केट। तो यहाँ ढेर सारा मार्केट आपको इस तरीके से लोकल मार्केट दिख जाएगा जहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग भी किए थे। और मैं आपको यहाँ पे वो शिप दिखा रही हूँ जा रहा था। मैंने यहाँ से ये रिंग ख़रीदा था, बहुत ही प्यारी प्यारी रिंग थी जिसका प्राइस भी ठीक ठाक ही था, महंगा था ना सस्ता था। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक बटरफ्लाई वाला रिंग ख़रीदा है। एंड बार बार ब्लर हो जा रहा है पता नहीं, बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा था मुझे। एंड देखिए यहाँ पे कितने सारे मार्केट हैं। एंड यहाँ पे ये इस तरीके से ना ये सिंदूर मिल रहा था एंड उसकी डिबिया भी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो बीच के पास में ये फिया मार्केट है जहाँ पे खाने पीने की भी है चीज़ें एंड शॉपिंग की भी है, तो आप यहाँ पे शॉपिंग और खा भी सकते। एंड बच्चों ने भी अपने हिसाब से शॉपिंग कर लिया था, उन्हें ये बहुत पसंद आ रहा था। और जैसे हवा चल रही थी ना तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही घूम रहा था। थकान हो गई, हम लोग आए मैगी खाने, चाय पीने, हम लोग पियेंगे जूस। क्या पियोगी बताओ, दिखाओ क्या लिया तुमने। वाह कितने तेज घूम रहे हैं। तो अभी हो गया है सनसेट का टाइम और सनसेट देखते हुए भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो इस जगह की भी बहुत खूबसूरती है, अगर आप शाम को यहाँ घूमे हैं तो आपको सनसेट देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था और देखने में और आपको भी अच्छा लग रहा है। तो बस इस जगह पे हम लोग थोड़ा थक गए थे और यहाँ पे थोड़ा खा पी रहे हैं, मैगी एंड ये जूस वगैरह हम लोगों ने लिया। एंड अब हम लोग घूमने जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी। तो आ गए हैं हम यहाँ और चलिए इंटर करते हैं अंदर। तो इंटर करते ही आपको ये फ़ोटो दिखेगा कि कौन कौन से बर्ड्स जो हैं यहाँ, वो यहाँ रहते हैं एंड आपको दिख जाएंगे। तो देखिए कितने सारे हैं ये बर्ड एंड इधर भी कुछ तो लगा रखा है। एंड ये मुझे ठीक ही लगा, बहुत ख़ास नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही रेयर ही दिखते हैं तो हम लोगों को कोई बर्ड दिखी ही नहीं। एंड यहाँ इस ट्री में हम लोगों को ढेर सारी चमगादड़ दिखी थी बैट, जैसे बच्चे देख के काफ़ी खुश हो रहे थे। एंड अब हम आ गए हैं मरीन ड्राइव के पास जहाँ पे ये चिल्ड्रन पार्क भी है, उसके पास में ही अटैच है ये चिल्ड्रन पार्क एंड बहुत बड़ा पार्क है ये। एंड इसमें छोटी छोटी फिश ही थी तो मेरे हस्बैंड वही दिखा रहे हैं बेटी को कि देखो इसमें फिश है। बच्चे फिश देख के कितना खुश हो जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी इसमें फिश थी। तो इस पार्क में तो हम लोग इतना नहीं घूमे, इस पार्क के हम लोग आगे चले गए और मरीन ड्राइव के पास चले गए थे हम लोग। एंड ये वाली जगह भी देखने लायक है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप कोच्ची जाए तो ये वाली जगह भी आप ज़रूर जाए। बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था एंड काफ़ी लोग भी थे यहाँ पे। तो ये सारे स्पॉट हैं जो मैंने आज आपको घुमाया है। तो जब आप भी कोच्ची जाओ तो ये सब जगह ज़रूर घूमना जो जो मैंने पॉइंट आपको दिखाया है, जो जो पॉइंट मैंने कवर किया है। एंड एक से डेढ़ दिन का मुझे लगता है कोच्ची घूमने में सारा हो जाता है, कवर हो जाता है। एंड कल हम लोग निकलने वाले हैं मुन्नार के लिए, तो नेक्स्ट मैं आपको वो ट्रिप का वीडियो दूँगी। तो मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कल हम लोग निकलने वाले हैं मुन्नार के लिए, आज तो हम लोग कोच्ची में थे तो कल हम लोग निकलने वाले हैं मुन्नार के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग ही निकलेंगे। तो चलिए मैं आगे आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए थे खाना खाने, और ये यहाँ के बहुत ही फेमस सिंगर हैं, लोग बता रहे थे, जो यहाँ पे ये गाना गा रहे थे एंड बहुत लोग इन्जॉय कर रहे थे इस रेस्टोरेंट में, एंड हम लोग भी कर रहे थे। फिर हम लोगों ने अपना डिनर किया और नेक्स्ट डे हम लोग को मॉर्निंग में ही निकलना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है, घुमाया भी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।